सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप दोनों ने जो है हमारे किन्नौर अब तक पेज में एक मिसाल बनकर आए कि 74 कितने 74 पंचायतों में से आप दोनों सबसे पहले ऐसे सक्षम जो लगे कि जिन्होंने एक साहस का परिचय दिया और अपने पंचायतों के बारे में अपने ब्लॉक के बारे में व्याख्यान करने का जो है एक बीड़ा उठाया क्योंकि आपको जनता ने चुना। तो इसके लिए मैं आप दोनों को सशक्त नमन करता हूं और ऐसे ही किन्नौर के सभी पंचायतों से निवेदन करता हूं वो जरूर हमारे मंच से आए और अपने एरिया का जो व्यक्तिगत जो आप लोगों का काम है जरूर बताएं और जनता के राय को भी जाने कि जनता आपके एरिया में क्या क्या जानना चाह रही। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है जो शिक्षा से संबंधित और स्ट्रीट लाइट से संबंधित और आपका डस्टबिन आदि बहुत सारी समस्या। तो मैं जाते जाते दोनों से भी अपील करना करवाना चाहूंगा कि जरूर जो किन्नौर अब तक पेज में सभी पंचायत के भागीदारी बने जो हमारा हमारी पंचायत है हमारे मांगे इस पर इस एपिसोड से जुड़ने के लिए हम आप दोनों से अपील करवाना चाहूंगा। तो चलिए सबसे पहले एक और एक ऐसा महत्वपूर्ण आप दोनों के ऊपर विषय रखना चाहता हूं जिस पर मैंने अभी कुछ दिन संज्ञान लिया। किन्नौर जो किन्नौर का जो मुख्यालय रिकांगपियो कल्पा जब भी पर्यटक आता है तो कल्पा आता है तो भोलेनाथ जी के दर्शन जरूर करता है। लेकिन अब जो किन्नौर में ज्यादातर लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे रोगी के जो सुसाइड पॉइंट को देखने के लिए। तो इस पर मैंने बहुत गहन चिंता व्यक्त की कि उस पॉइंट को इसलिए पहले भी वहां पर हादसे हो गए चंडीगढ़ से पंजाब से लाकर वहां पर एक महिला का जो है एक जो है वहां पर सुसाइड करवाया था उन्हें जो है धक्का देकर मार दिया था। तो मैं प्लीज आप दोनों से अपील करवाना चाहता हूँ सुसाइड पॉइंट का नाम बदल कर जो है कोई ऐसा पॉजिटिव नाम रखे जिससे लोग जो है देखने तो आए और जो है वहां पर वैसा जो अंदर नेगेटिव प्रभाव ना हो। मैं सुसाइड पॉइंट देखने के लिए जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव प्रभाव आ रहे थे मेरे में क्या मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। इस पर जरूर संज्ञान ले कि वहां पर जो है आप जो वहां की गतिविधियों को जो चेंज करें वहां के जो है जो नाम है उसको चेंज करें और लोग जो है उस प्रकार के नाम को वहां आपको देखने आए सुसाइड पॉइंट को बदल कर कुछ नया नाम ऐसा जोड़े कि लोग आए तो जरूर और लेकिन उस नाम से ना आए। तो इस पर अध्यक्ष मोदी जी आप जरूर संज्ञान लेंगे। बिल्कुल रामानंद जी, ये आपने बहुत ही सही बात कही, क्योंकि मैं इसी गांव से आता हूँ। मेरा जो आना जाना है सुबह शाम रात दिन जो है, तो यहाँ उसी पॉइंट से गुजरते हुए मुझे कल्पा की ओर, पीओ की ओर, या पीओ कल्पा से रोगी अपने घर की ओर आना पड़ता है। तो ये नाम जो है, तो सर पहले वैसे ये रोला दांग था जी, तो जी इसको कुछ हम ये कह सकते हैं, जो शरारी ये जो इसमें मैं जो अपने जो कल्पा में जो होटल व्यवसायी जो बंगाल जो के लोग थे, जी वैसे तो हमारे लोकलों को सबको पता है कि ये रोला डांग से ये जाना जाता है जी। जी इसमें ये हुआ, जब शुरू शुरू में तो उन्होंने बंगालियों ने इसको एक सुसाइड पॉइंट के अपने बिजनेस को इन्होंने प्रमोट करने के लिए एक इस तरह का नाम दे दिया, और ये आज इस नाम से बहुत मशहूर हुआ है। हालांकि मैं खुद आने के बाद ये यहाँ पर बिल्कुल ओपन सा ये था, तो हमने वैक्सीन के माध्यम से इसको पूरे चारों चौबंद करके इसको जाल वगैरह लगा के बिल्कुल बंद किया हुआ है। इसके अलावा भी फिर हमने इस डांग में सबसे जो किन्नौर का सबसे जो हाइट जो रोड है, तो इसमें जी भी हमने एक रेलिंग लगाने का अरे से परे तक अभी काम भी चला है, अभी सर्दियों की वजह से बंद है, तो इस साल हम इसको भी पूरा करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम इस मामले में एक आपने बहुत सी बहुत बढ़िया बात कही, तो इसको कैसा इसको हम पुराने इसको नाम से हम जाना जाए। इस मामले में हम शायद हमें लगता है कि हम डीसी साहब से ही इसमें पहल करेंगे और अवश्य ही इसका जो है तो रिजल्ट आप तक भी पहुंचेगा। और आपके लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जो वहां जा रहे हैं अगर आप वहां पर एक कूपन सिस्टम भी रखेंगे तो आपके रोगी गांव का जो है बहुत विकास हो सकता है क्योंकि बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। उसके लिए आप उसको एक व्यवसाय में मिला सकते हैं जबकि आपके जो है कल्पा या पियो के जो जो उसी उसी पॉइंट को देखने आते हैं और उनका व्यवसाय चल रहा है तो आप अपने पंचायत के द्वारा भी वहाँ कुछ एक कूपन बनाए जिससे आपका फायदा हो।
चलिए मेरा सुझाव था। एक और एक मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि वहां पर जब भी आप गाते हो, या फिर मैंने एक चीज देखा वहां पर वाइब्रेशन का होना बहुत खतरनाक हो सकता है। कृपया वहां एक 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 बोर्ड जरूर लगाए बेस का बजाना, क्योंकि बेस जब वहां बजेगा तो ऊपर से पत्थर पुत्थर भी गिर सकता है। बहुत जोर जोर से गाड़ियां चलाते हैं और नाचते, अच्छी बात है कम वॉल्यूम में नाचे और उसमें बेस कम हो, तो इसलिए वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगाए कि कृपया जो है साउंड का जो है कम उपयोग करें और कम साउंड में जो है वहां पर मनोरंजन ले। ये भी ध्यान देने वाली बात है। जी बताइए सर। जी सर, उस पे भी हम एक पहल कर रहे हैं। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगे। हम पीछे एसपी साहब से भी मिले, हमारे प्रधान साहब रतन मंजरी के साथ हम लोग मिले थे। तो इस पर भी एक अब वहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ सोलर सिस्टम से हम एक जो है तो सीसीटीवी कैमरा लगे, जिससे कि वहां पर जो शरारती तत्व है, जो इस तरीके से जो वायलेंट जो बजाना गाना करते हैं, जो आवाज करते हैं, जो जो आप कह रहे हैं, उसको हम किसी हद तक हम रोक पाए। जी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर कुछ कमेंट आए हैं उसको जरूर लेंगे, आप दोनों के समक्ष रखता हूँ मैं। चलिए जब शिक्षा पर आ रही थी तो किशोर जी यहाँ कहा कि जहाँ टीचर ना हो क्या करे, कहाँ जाए, इस पर आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया करें शॉर्ट शॉर्ट। बिल्कुल ही, भंडारी कैलाश जी हमारे ही गांव की बहन है और शायद रक्षा में इनका मैरिज है, तो शायद वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति काफी टफ है। और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनको दिक्कत परेशानी का सामना आ रहा है। अभी हम जैसे पूरी टीम हमारे बड़े भाई की अध्यक्षता में एजुकेशन जो मिनिस्टर है उन तक एक ज्ञापन भेजेंगे जिला किन्नौर के अंदर में जितने भी, अब क्योंकि आज के बाद शायद स्कूलें हर जगह जिला किन्नौर के अंदर में खुल चुका है, तो हम उनसे मांग रखेंगे एजुकेशन मंत्री हमारे सम्मानीय जी से कि जिला किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए फटाफट वहां पे जो है एक अध्यापकों का व्यवस्था जरूर कराएं। जी एक और एक बहुत नेगी अजय जी कहते हैं कि रिकांगपियो में एक एजुकेशन लाइब्रेरी का होना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि शायद वहाँ एक लाइब्रेरी है, शायद एचआरटीसी बस स्टैंड के पीछे, शायद काफी साल पहले का पता ध्यान नहीं, लेकिन अगर होगा तो उसको और बेहतर विस्तार बनाने की कोशिश करें। अध्यक्ष जी इस पर कुछ कहेंगे कि इन्होंने बच्चों ने कहा कि एक लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी में बिल्कुल बहुत किताबें होती है और आज के टाइम में किताबें इतनी महंगी है कि लोग पढ़ नहीं पाते, कम से कम लाइब्रेरी में जाके अपना जो एजुकेशन का सुधार कर सके, ये अजय नेगी ने कहा है। जी सर, मैं अजय नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पर बहुत अच्छे ढंग से, हमें भी इस पर काफी पहले से एक ये बात चल रही थी कि भाई इससे जो है तो आप लाइब्रेरी या किसी खेल के उससे ये तो जैसा बच्चे एक नशे से दूर रहेंगे, कई चीजें जनरल नॉलेज की जो जो भी पढ़ना चाहे, मैं इस पर बिल्कुल इनकी बात से बहुत सहमत हूँ। और इस लाइब्रेरी को हम जल्द से जल्द खोलने की हम सरकार से भी गुहार लगाएंगे, और जो भी कहा ये क्यों रुकी है, क्यों वो है, इस पर हम बिल्कुल विचार रखेंगे करेंगे। जी निर्मल जी कहते हैं कि रिस्पेक्ट बीडीसी जी, आप अपने पंचायत में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट इन किन्नौर के में बारे में बात करेंगे, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट किन्नौर में आने वाले हैं या आगे है, उनके बारे में थोड़ा आप राय देना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, चलिए अध्यक्ष जी कहें, दोनों से इस राय जानेंगे, पर हम दोनों से राय जानेंगे। जी इस पर जैसा कि हम भी इस में इफेक्टेड एरिया में हमारा जो करछम वांगतू है, इस पे जो एक एक पॉलिसी हुई थी 2006 में, हाइड्रो पावर पॉलिसी एमओयू साइन हुआ था सर, इसमें जो भी जो प्रोजेक्ट्स किसी भी, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कांग्रेस सरकार में या बीजेपी सरकार में, हम एक एक मानवीय ढंग से हम इस चीज को सब ले तो बहुत ही बेहतर होगा। हम किसी सरकार के ऊपर किया किसी थोपने वाली बात नहीं है, हम खुद मैं खुद इस इफेक्टेड
एरिया से जूझ रहा हूँ। तो अभी भी जो हमें जो इस रोगी गांव में जो प्रदूषण और जो भी जो गवर्नमेंट से साइन हुए थे कि भाई इन स्थानीय लोगों को इस तरीके का वो दिया जाए, अभी तक मैं मुझे नहीं लगता है कि हमें भी इसका जो लाभ मिला है। मैं 2010 से 15 तक वाइस प्रधान रहा हूँ अपने गांव का। तो 2011-12 में मैंने एक पूरे इस पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से लेकर सारा कुछ मैंने अपने प्रदूषण का जो पैसे लेने के लिए मैंने सबसे ये वो किया हुआ है। तो मैं अभी इसी बार ही दे पाया हूँ। तो डीसी साहब को दिया है, मैंने कहा जी हमारे को ये जो तो पॉल्यूशन का जो पैसा है मिलना चाहिए। अभी जी, बाकी जो ये प्रोजेक्ट्स जो अध्यक्ष आगे बन रहे हैं। महोदय जी, मैं बताना चाहता हूँ पूरा, आपने रोगी की बात करा, पूरा हमारा रजगारंग पगरामंग भी ऐसे ही है। पिछले कई सालों से जो है इन कंपनियों से जो हम जी झेलते आ रहे हैं, इस पर जो है कोई भी जो आपका जो चाहे हमारे विधायक हो या फिर हमारे जो है चुने जो वन उपाध्यक्ष हमारे आदरणीय सूरत नेगी जी, दोनों जो है इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। क्योंकि पूरा जो है आपको तो पता है कि आपका रोगी एरिया भी काफी धस गया था, पूरा लोगों के मकान तक चले गए थे। और हमारे एरिया जी में भी 18 किलोमीटर का टनल है, 5 एडिट है और पावर हाउस है। और हम लोग जो है रोजगार से और 1% रॉयल्टी से और ये जो आपका पर्यावरण जो संबंधित चीजों से हम जो है पीछे रहे। तो इसलिए तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जयराम सरकार जो है तक आप जल्दी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि 2022 तक जो है कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, खासकर जो पर्यावरण और 1% रॉयल्टी पर जरूर जोर दें। अध्यक्ष जी जी सर, मैं इसी पर बात करूंगा सर। मैं जो अभी समिति के माध्यम से, मैं जिला परिषद के माध्यम से, जिला परिषद में मैं एक सदस्य के रूप में हूं सर। मैं यहां से इस अपने सदन के माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट में जो MOU साइन हुए थे, जो इस पर जल्द से जल्द मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर हमें राहत दें, और जो कमेंट जो हमारे जो एग्रीमेंट हुए थे उस पर आप अमल करें। बहुत खूब। तो किशोर जी, आप क्या कहना चाहेंगे जल विद्युत परियोजनाओं पर जो किन्नौर में खुले हैं? क्योंकि आपको मैं आप थोड़ा सा संज्ञान बताता हूँ, इन्होंने जो है काम तो चला दिया। उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था उस प्रकार से कि लोग जागरूक हो जाएं, क्योंकि हमने भी डंडे खाए 112 धारा 144 में। उस प्रकार की गतिविधियां नहीं थी कि हम लोगों तक मैसेज दे। तो लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना बहुत कुछ है, और उस समय हम अगर इतने जागरूक होते तो शायद 1% रॉयल्टी मिलता और हमें जागरूक कराने वाले भी कोई नहीं थे। समितियां बनती थी और समितियां कुछ साल तक तो रैलियां चलाती थी, आंदोलन करते थे, बाद में सारी समितियां चुप है, चाहे जितने भी हमारे किन्नौर में बनी हो। इसका मुख्य कारण चलिए जैसे न कैसे चल पड़े पूरे किन्नौर में जो है जो पुराने जो है परियोजना है। क्या भविष्य में अब किन्नौर में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ना तो रोजगार हमको मिला हुआ है, ना हमारे को यहाँ पर जो है रॉयल्टी मिला हुआ है, ना हमारे को किसी प्रकार का ऐसा कोई हॉस्पिटल, ना हमारे को किसी प्रकार का इन्होंने कोई कॉलेज बनाया है। क्योंकि हमारे को सबसे पहले शिक्षा और कॉलेज के लिए जाना पड़ता है बाहर ही। आपको अगर अभी कुछ दिन की बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया में तो ऐसे ऊपर अपर किन्नौर से थे जिन्होंने पीजे में 4 साल लगातार जाना पड़ा। हम 3000 किलोवाट, 3000 जो है अपन 3000 मेगावाट यहाँ पर जो है पैदा करते, और हम हर सुविधाओं से वंचित है। इस पर आप जरूर बताएं। बहुत खूब मान्यवर, आपने बहुत अच्छा जो चीजें मुझे मेरे नॉलेज में था उसको बहुत अच्छे से रखा। मेरा तो साफ शब्दों में, मैं किशोर कुमार की हैसियत पे साफ शब्दों में प्रोजेक्ट का विरोध करता हूं। मैं नो मीन्स नो के साथ हूं, और जो वर्तमान में, मैं दो शब्द दो बात जरूर करूंगा। हमारे वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी भी इसका विरोध कर रहे थे, मैं कुछ वीडियो के माध्यम से पीछे भी देख रहे थे, और फर्स्ट वर्डिक्ट जो आपका ये फेसबुक सोशल पेज है उस पे भी आप जरूर देख रहे होंगे, पूर्व विधायक अपने तेजवंत नेगी जी, उनके भी कुछ स्टेटमेंट अभी आए थे जिसमें ओल्ड पेंशन से लेकर, ओल्ड पेंशनर के सपोर्ट से लेकर नो मीन्स नो को पूरा वो सपोर्ट कर रहे थे। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे धुरंधर और कद्दावर जो नेता है,
जो पूरे किन्नौर की जन भावनाओं को ध्यान में रख रहे हैं। मैं खुद ग्राम पांगी में 2010 में जब हमारे प्रोजेक्ट्स आए थे, हम इफेक्टेड फैमिली और लैंड लूजर्स हम खुद है इस एरिया में, किस प्रकार से प्रोजेक्टों का साइड इफेक्ट्स है, हम ने इसको अच्छे से झेला है। यहाँ पे जो है बाई बाई का नारा, काफी सारी चीजें इसमें हमने देखा इस पे। परंतु जो एमओयू साइन हुए हैं उसका हम फिलहाल के लिए अब शायद विरोध नहीं कर सकते, जहां तक हम पढ़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं। पर जो भविष्य में कोई इस प्रकार के प्रोजेक्ट का जिला किन्नौर के अंदर में होता है, तो हम पुरजोर से उसका विरोध करेंगे। और हमारे जो दोनों नेता है, सूरज नेगी जी और पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी जी, जो दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं और आप सभी के सामने उपस्थित भी है। जी, आपने कहा कि यहाँ एक पॉइंट था, आपने कहा कि एमओयू साइन हो चुका है तो अब हम इस पर रोक नहीं सकते, फिर हमारे जो शीर्ष नेता लोग फिर विरोध क्यों करें, बल्कि उस पर लोगों को जागरूक करना चाहिए, बेहतर जो आप सुविधाएं लें, बेहतर आप जो है अपना बेनिफिट लें, विरोध करने से अच्छा है तो लोगों को जागरूक करें। चलिए, ये मेरा सुझाव था, बता रहा हूँ आप लोगों को, और बहुत मानेवर इस जी विषय में एक मिनट जरूर लूंगा मैं आपका। मानेवर जी देखिए, जैसे आप सरकार चलाने और सरकार के जो अहम हिस्सों में जो है जनरेशन का एक पर्सन जो हम सबको लाभ भी पहुंचाता है, वो हम आपसे छुपा नहीं है। जो साइन हुए हैं हम उससे अपने कुछ अधिकार ले सकते हैं। जैसे हमने हॉस्पिटल लगवाना है, बेहतर तरीके का जो स्कूल कॉलेजेस खुलवाने हैं, वो स्थानीय पंचायत जब ये प्रोजेक्ट पदार्पण होता है, अपना पैर पसार रहा होता है, उस समय जो स्थानीय पंचायतें वो जागरूक होने बहुत जरूरी है। वो उनके साथ एमओयू साइन करने और एनओसी देने से पहले बिल्कुल जागरूक रहे कि हमें किस प्रकार से भविष्य में इससे हानियां हैं। तो महोदय जी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकली है जहाँ देश हित का काम हो वहाँ पंचायत का एनओसी भी अब शायद मान्य नहीं है, वहाँ पर आपको काम करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा भी है। लेकिन हाँ, गांव के लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, गांव के लोगों को एक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से अपना या तो विरोध या फिर अगर पक्ष होता तो बहुत बेहतर बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो चलिए, इन चीजों को और भी एपिसोड चलते रहेंगे। आप लोगों ने हमारे गांव शहर राजनीति एपिसोड में जो हमारी पंचायत हमारी मांगों में आपने जो है आपने रखा, सर अध्यक्ष महोदय जी, आप अन्य पंचायतों को भी क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड के बारे में? ये रामोल जी, मैं आज तक के आपके इस जी बताइए। एपिसोड से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सामने आए और जनता के प्रतिनिधि है आप, तो आप जनता तक सही सरकार के कार्यक्रमों को पहुंचाएं, जनता की सेवा करें। जी, अन्य कोई ऐसी चीज है जो आप जनता को अपना मैसेज देना चाहते हो आपके कार्यकाल के दौरान का, अभी आपने अभी और अभी आपके 5 साल पूरे करने, इस बीच में कुछ और आपकी योजनाएं हो? जो भी योजनाएं, मैं चाहूंगा कि भाई हमें जनता ने चुनकर भेजा है, और मैं चाहूंगा कि जो भी जनता जो कहें उस पर खरा उतरने की कोशिश करें, और जनता सर्वोपरि है। आप जनता को ज्यादा से ज्यादा एक सरकार का बेनिफिट जो पहुंचाने का कार्य करें। मैं पूरे अपने ब्लॉक में चाहे पूरे जिला किन्नौर में प्रतिनिधियों से ये आह्वान करता हूं कि वो अपनी जनता को ये तो सरकार के कार्यक्रमों से लाभान्वित करें, जो गरीबों को बाहर निकालें, एक जो सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग को एक पहले उसको पहल करके, कोई राजनीति नहीं करके उसको ऊपर उठा के जो है तो जनता की सेवा में लग जाए। महोदय जी, एक अंतिम सवाल है, जिस प्रकार से आपको इस प्रकार से प्लेटफॉर्म मिलने के बाद तो आपको जो है इस मंच में आकर जो जो पंचायत की जो जो गतिविधियां होती है, पंचायत के जो भी आपके जो शेड्यूल होते हैं, जो भी प्रोग्राम है जनता के समक्ष रखना चाहिए, चाहे भी फायदा है, क्या क्या स्कीमें आई है। आपको पता है कि कई लोगों को तो स्कीम को पता नहीं होता है, तो हमने ये एपिसोड बनाया, तो आप जो जरूर इस जो है
जो पंचायत से प्रति जो भी आप भविष्य में अपनी स्कीमों को यहाँ पर अपने एरिया में अपने ब्लॉक में अगर आप कभी भी हमारे पेज के द्वारा आप साझा करना चाहें तो आपका हम स्वागत करेंगे सर। बिल्कुल 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 जी तो किशोर जी, बिल्कुल सर। आप युवा हो, अगर आपका भविष्य आगे तक जा सकता है, जिस प्रकार से आप में जुनून है, जोश है, मैं चाहता हूं कि आप कहते कि राजनीति गंदी नहीं है, हम राजनीति को गंदा करते हैं खुद, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, जैसे हमारे नेगी साहब जी 2011 से, इन्होंने कहा कि शायद इससे पहले भी होंगे, 2011 से आप अभी 20 हो गया, 22 हो गए, तो आप इतने सालों से एक उससे पहले भी आप कई चीजों में जुड़े हुए, आपका अनुभव आपको यहाँ दिखता है कि किस प्रकार से आप एक बेझिझक होकर यहाँ पर मंच में, क्योंकि आपको तो बताया कि आज के टाइम में तो माइक में बोलना भी मुश्किल होता है। और मैं आपका हमारे जो गंगाराम जी आपका पुनः स्वागत करते हैं, पुनः अभिनंदन करते हैं आपका, मैं आपके जोश और होश को नमन करता हूं कि आपने जिस प्रकार से आपने इतने सालों से पंचायत में और जनहित में काम किया, उसको नमन करते हैं। और मैं मुझे आशा है कि आप आजीवन ऐसे ही समाज सेवा काम करते रहेंगे। जी सर, सर एक बात और बताना चाहूंगा। जी ये आज ही एक जो सरकार ने जो गरीबों के लिए जो मिनिमम जो इनकम का जो 35,000 जो था, अभी आदरणीय जयराम ठाकुर जी जी राम ने साहब ने ये नोटिफिकेशन आज जारी किया है सरकार के द्वारा, वो आप 50,000 तक जो इनकम में, चाहे अच्छा वो बहुत बुढ़ापा पेंशन में हो, चाहे किसी भी अन्य जो जैसा घर बनाना हो किसी ने, अच्छा, ये वो लागू भी। लागू हो गया सर अब, जी सर, आज अभी मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया है। जी बहुत बधाई है किन्नौर के लिए और सर, सभी जगह के लिए, हिमाचल के लिए आदरणीय, नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका था, जिन्होंने कहा था कि 35,000 तक था, अब जो है आप कई प्रकार के इसमें जो है बच्चों के शिक्षा से लेकर और ऑफिस जी में सर, जैसे आपका भर्ती होने तक के लिए छोटे छोटे उसमें पोस्टों के लिए, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट था 50,000 तक कर लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई जयराम सरकार का, हिमाचल सरकार का और आप लोगों का। तो चलिए किशोर जी, आप अपना वक्तव्य अंतिम जो है क्या कहना चाहेंगे किन्नौर की पंचायतों को, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है, हमारी पंचायतें हमारी मांग है, क्या उनसे अपील करेंगे, और आप अपना भविष्य के बारे में, अपना अभी 3 साल और है, इसमें आपके क्या क्या अन्य और जो है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, कैसे कैसे आपके पास जो है अभी आपके जो माइंड में बोलते हैं ना कंप्यूटर में बसा है, तो वो जरूर आप बताएं। बहुत धन्यवाद रामबगा जी। सबसे पहले तो आपने एक ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं समस्त जिला किन्नौर के अंदर में जितने भी हमारे पीआरआईस है, प्रधान उपप्रधान, जिला परिषद या वार्ड सदस्य, सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आइए अपने मांग, जो भी आप अपने ड्यूरेशन अपने उस पे काम करते हैं तर्ज पे, तो उसको जरूर इस मंच पे साझा करें। जैसे कि आप बोलते हैं एजुकेशन से रिलेटेड आप क्या काम करना चाहेंगे भविष्य में, मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि गंगाराम जी जैसे बड़े भाई के इतने बड़े एक्सपीरियंस में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ हमारे सरकार में, अभी हिमाचल सरकार हो गया या प्रशासन सरकार में, अभी जितने भी हमारे नेता देख रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने गाँव के विषय में बात करना चाहूंगा। अभी जैसे कुछ समय पहले एक बात जरूर आई थी कि जैसे कि सरकारी स्कूलों से पलायन हो रहे हैं, बहुत सारी कमियां पूर्व में रहे होंगे, पर उसको सुधार करने के लिए हमारे पास यंग ब्रिगेड, जो फ्रंट वॉरियर, मैं अपने टीचरों को मानूंगा जो भविष्य का नींव भी रखते हैं। और उसके तहत मैं अपने गांव में, बहुत पहले भी बोल चुका था, एक साइंस स्ट्रीम, जो साइंस सेमेस्टर चलना है, उसका पहल सरकार से गुहार करूंगा कि साइंस सेमेस्टर पढ़ाने के लिए पांगी में प्रावधान करें। युवाओं के लिए मैं बार बार जहां पर भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं विशेषकर युवा और अपने जो नए जनरेशन है उस विषय में बात करना चाहूंगा। मैं प्रशासन और जितने भी हमारे एनजीओ है, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हम बांध उखाड़ो नशा के विषय में थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा। इतनी सारी बातें हम विकास के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास इसका हेड है, परंतु हमारा जो नशा से अगर कल का युवा हमसे बिछड़ गया, तो हम ये सारी चीजें करके भी ना के बराबर रहेंगे। इस पहल को देखते हुए जहां जहां बार बार
मैं गुवार करता हूँ, सिर्फ बांग उखाड़ने या थोड़ा सा चीटा या दो बोतल दारू पकड़ने से ही ये सारी चीजें, नशा खत्म नहीं होने वाला है। मैं सुमरा से लेकर, मैं बा चौरा से लेकर सुमरा तक के सारे दुकान, मैं बिल्कुल अगर किसी की भावनाओं को इस मंच से ठेस पहुंचा रहा हूं तो जरूर उनसे माफी चाहूंगा। परंतु ये पहल युवा साथियों को बचाने का है, युवा पीढ़ियों को बचाने का है। ये सुमरा से लेकर हमारे पास चौरा तक के जितने भी दुकान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कल को अगर हम कोई पहल करें, जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के साथ पहल करके करें, उससे पहले विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो गुटखा, पंची छाप, खैनी वगैरह सारे आम बिक रहे हैं, इस पे प्रतिबंध लगाएं, अपने जो दायित्व है उसको समझे। अगर हम आज 1 रुपए में, 1 रुपए के लालच में अपनी जो युवा पीढ़ी को अपने हाथों से खत्म करना चाह रहे हैं, अगर कोई इस पुलिस प्रशासन के माध्यम से रेड करे, मैं नहीं चाहता कि रेड करे या फिर इस पक्ष में बात रखे, उससे पहले आप खुद सतर्क होए, सावधान होए, ताकि हमारा जो युवा है वो बचा सके। जी जी सर, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं समस्त PRI को एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि जरूर आए, अपनी बात रखें और बिल्कुल बात रखें, जी और जी अध्यक्ष महोदय, जाने से पहले बिल्कुल एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहेंगे राम भगत जी। वैसे आपने जो ये प्लेटफॉर्म हम PRI को दिया है, जो चुन के हम प्रतिनिधि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो निचले स्तर में रह रहे हैं उस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार जी प्रकट आभार करता मान जी सर जी। एक महत्वपूर्ण एक बात बताना, मैं आपके माध्यम से पूरे जिला किन्नौर और अपने ब्लॉक से को ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो अभी जो है सब डिविजनल FRA में लेवल की कमेटी बनी है कल्पा ब्लॉक में, जिसमें ये हमारे उपाध्यक्ष जी छेडोलमा जी और अविनाश जी कल्पा से, और इसमें मैं भी एक इस LDSC का एक सदस्य हूँ। मैं चाहूंगा कि जो FRA के जितने भी जो यहाँ अध्यक्ष प्रधान सचिव है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये जो जितने भी ये आपके पास जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुए हैं, और इन्हें आप पूरे विधि विधान पूरा कागजी प्रक्रिया पूरा कर आप जल्द से जल्द हमारे कमेटी में पेश करें। इसमें आदरणीय सूरज जी और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी एक कमेटी बनाई है, जिसमें हमें ये कमेटी में सदस्य बनाया गया है, और मैं पूरे अपने ब्लॉक से आह्वान करूंगा FRA के इसमें प्रधान और सचिव से कि वो जल्द से जल्द FRA के ऊपर आप बहुत खूब। मैं यहाँ पर हमारे किन्नौर अब तक पेज के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे जयलाल नेगी जी इस पर जो है एक वर्कशॉप जी वर्कशॉप चला रहे थे, तो सभी से निवेदन करता हूँ कि हमसे भी FRA से संबंधित आपका जो 50 रुपये का फॉर्म है और जो बंदोबस्त के दौरान जो कब्जा है उस पर जल्दी पर्चा निकाल कर और अपने सिलेक्शन कमेटियों को दे दे ताकि वो आगे तक जाए। तो चलिए, यहाँ पर आपने कहा कि आपके